Okay, dear students, this class, online class is for 12th class, subject English. In our previous class, I have taught you lesson 2, The Lost Spring, written by Anish Jung. In this lesson, there are two stories of stolen childhood. In the first stories, I told you about a boy who performs the work of a rag picker. In this story, the second story, there is a boy named Mukesh who is a bangle maker. They are very poor. Mukesh has a different aim in his life than his family members. They lived in Firozabad in Uttar Pradesh. So this story is about them. So you can open your book at page number 16 in textbook. I want to drive a car. Start from here. बोलते हैं मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश जोर देता है कि वो अपना खुद का मालिक खुद बने. आई विल बी मोटर मैकेनिक. मैं एक मोटर मैकेनिक बनूँगा. ही अनाउंसिस. वह ऐसा कहता है, घोषणा करता है. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. और राइटर पूछती है कि क्या तुम कुछ जानते हो कार के बारे में, कारों के बारे में क्या आप कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार. बोलता मैं एक कार चलाना सीखूंगा. ही आंसर से उत्तर देता है. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज. सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोलता मैं एक कार चलाना सीखूंगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मैरिज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. और उसके जो सपने हैं वो ऐसे प्रकट होते हैं जैसे कि एक धुंधला सा बादल हो. एक डस्ट की गलियों में एक मृग तृष्णा की भांति दिखाई देता है. दैट विलेज टाउन फिरोजाबाद, जो कि ये धूल भरी गलियां फिरोजाबाद कस्बे में भरी रहती है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो कि अपनी चूड़ी बनाने के काम के लिए प्रसिद्ध है. तो ऐसा मृग तृष्णा उसकी इन फिरोजाबाद की गलियों में, एक मृग तृष्णा जैसा ही लगता है धूल भरी गलियों में. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. प्रत्येक परिवार फिरोजाबाद में वो इस काम में इंगेज है, चूड़ी बनाने के काम में, बैंगल मेकिंग के काम में. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज. और ये केंद्र है इंडिया का, ग्लास का जो फैक्ट्री है उनका ये केंद्र है, जहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती है, कांच का काम होता है, ये उसका केंद्र है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर के परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी है. जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ बिता दी है वर्किंग अराउंड फर्नेसिस, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए. वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लास को जोड़ते हुए, वेल्ड करते हुए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और चूड़ियाँ बनाते हुए उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी, ऐसा लगता है औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए इस पूरी धरती के लिए, जैसे ऐसा लगता है. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है. नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता. दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि ये गैरकानूनी है बच्चों के लिए उसके जैसे. टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच के फैक्ट्रियों में, भट्टियों में काम करना. विद हाई टेम्परेचर, जहाँ पर कि बहुत ऊंचा तापमान रहता हो. इन डिंगी सेल्स, इन अंधेरी तंग झोप कोठड़ियों में. विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर कि न तो लाइट रहती है और न ही ताज़ी हवा रहती है. दैट द लॉ इफ इन फास्ट, कि अगर कानून
इसको पूरी तरह से लागू किया जाए, इन्फोर्स किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रंस आउट ऑफ दी हॉट फर्नेसेस। तो इनको बाहर लिया निकाला जा सकता है, इन 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर ये अपने दिन के घंटों को बिताते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और ये प्राय खो देते हैं चमक अपनी आँखों की, मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आँखों में भी मतलब चमक आ जाती है जैसे ही वह वॉलंटियर हो जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले जाने के लिए, तो उसकी आँखों में चमक आती है। विच ही प्रोफाउंडली सेज, जो वह बड़े गंभीर तरीके से कहता है, इज बींग रिबिल्ट, जो कि वह बड़े गर्व से कहता है कि कैसे उसको रिबिल्ड किया गया है, दोबारा से उसका निर्माण किया गया है। ऐसे घर ले जाने के लिए वो वॉलंटियर हो जाता है कि मैंने अपना घर दोबारा से तैयार किया है, बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते हैं स्टिंकिंग लेन से, यानी कि बदबूदार गलियों से, चौकड़ विद गारबेज, जो कि कूड़ों के ढेर से रुकी हुई हैं, पास्ट होम्स, घरों से गुजरते हुए जाते हैं, दैट रिमेन्स हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि एक हॉवेल्स के समान है, एक बाड़े के समान है, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जो दीवारें हैं वो क्रम्बलिंग का मतलब लड़खड़ाती हुई हैं, वोबली डोर्स, जिनके दरवाजे वोबली हैं, वोबल का मतलब हिलना, जो कि हिलते हुए दरवाजों वाले घर हैं, नो विंडोज, जिन पर कोई खिड़कियां नहीं हैं, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स, और जो भरे पड़े हैं, भीड़ है जिनके अंदर, क्राउड है परिवारों की, जो कि लोगों के परिवार हैं, मानवों के और जानवरों के, कोएग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल वे स्टेट, और जो कि प्राइमल स्टेट में रहते हैं, एक आदिकाल वाला जो युग है उसमें, जैसे जानवर और आदमी साथ साथ रहते थे, कोएग्जिस्टिंग का मतलब होता है साथ साथ रहना, साथ साथ अस्तित्व में होना, ऐसे रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ठहर जाता है एक ऐसे ही घर के सामने, बैंक्स ए वॉबली आयरन डोर, वह बैंक्स खड़खड़ाता है, झुलाता है एक हिलते हुए लोहे के दरवाजे को, विद हिज फीट अपने पैर से उसको ठोकर मारता है, एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धकेल कर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम एक आधे बने हुए, सैक का मतलब एक बोरा, एक आधे बने हुए जैसे बोरे जैसे घर में घुसते हैं, इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में, थैच्ड विद ड्रेड ग्रास, जो कि थैच्ड का मतलब बुना हुआ, सूखी घास से बुना हुआ है, इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच, जिसके के एक पार्ट में जो कि सूखी घास से बुना हुआ है, एक लकड़ी का चूल्हा है, फायरवुड स्टोव है, ओवर विच सीट से लार्ज वैशल, और जिसके ऊपर रखा हुआ है एक बड़ा सा वैशल, बड़ा सा बर्तन, ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, और जिसके ऊपर छन छन करती हुई पालक की पत्तियां रखी हुई है, यानी कि आवाज़ करती हुई, सीजलिंग मतलब जो चीज़ उबलने की आवाज़ आती है। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट के अंदर, परात के अंदर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, वहाँ पर कुछ और कटी हुई सब्जियाँ रखी हैं, ए फ्रेल यंग वुमेन, एक कमज़ोर सी नौजवान औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वो भोजन पका रही है शाम का पूरे परिवार के लिए, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक स्माइल्स, और ऐसी आँखें जो कि धुआं से भरी हुई है, उन आँखों के बीच से वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वह वर्षों में इतना बड़ा नहीं है, इतना बूढ़ा नहीं है। शी हैज़
वह इतनी बुरी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज दी बहू, और उसने शुरू कर दिया है घर को एक बहू के रूप में कमांड करना, एक सम्मान पाना। शुरू कर दिया है द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो कि घर की बहू मानी जाती है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, जो कि तीन आदमियों की इंचार्ज है, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, यानी कि उस घर में तीन मर्द हैं, तो उनके लिए खाने पीने का काम करती है वो। व्हेन दी ओल्डर मैन एंटर्स, जब बड़ा आदमी, बूढ़ा आदमी जब प्रवेश करता है, शी जेंटली विदड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वह विनम्रतापूर्वक वहाँ से उठकर के चली जाती है टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और ले आती है अपना वेल, घूंघट को क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज की मांग है, डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, के जो बहुएँ होती हैं उनको बड़ों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट रखना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज अन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और इस मामले में, इस जहाँ तक ये बात है, यहाँ पर इस कहानी की बात है, इसमें जो बूढ़ा आदमी है वो इम्पावरिश्ड, दरिद्र, गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कठोर परिश्रम के बावजूद, वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो उसने टेलर का काम किया था, देन ए बैंगल मेकर, और उसके बाद चूड़ी बनाने वाले का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह फेल हो गया था अपने घर की मरम्मत कराने को में भी। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और वह असफल रहा अपने दो लड़कों को स्कूल भेजने के लिए। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, केवल वह प्रबंध कर सका इतना ही कि उनको सिखा पाया जो वह कुछ जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और वह था चूड़ी बनाने का काम। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है ये उसका करम है, ये उसकी किस्मत है, भाग्य है, डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने के देखा था अपने खुद के पति को अंधा होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो उड़ती थी चूड़ियों, ग्लास की चूड़ियों को पॉलिश करने के दौरान जो धूल उड़ती थी, उसकी धूल से उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान ने जो लिखा है उसको तोड़ा जा सकता है, क्या भगवान ने जो एक लाइनेज दे दी, एक जो जीवन लिख दिया, क्या उसको हम तोड़ सकते हैं। सी इम्प्लाइज, वह ऐसा प्रार्थना करती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा होकर के, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स, केवल चूड़ियाँ ही देखी। इन द हाउस, घर में भी चूड़ियाँ, इन द यार्ड, आंगन में भी, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे प्रत्येक घर में भी, एवरी अदर यार्ड, दूसरे प्रत्येक आंगन में भी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गली के अंदर भी, सेवा सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ, यानी कि छल्ले ऑफ बैंगल्स, गोल गोल चूड़ियों के छल्ले, सन्नी गोल्ड, जैसे कि सन्नी गोल्ड, सूर्य के जैसे सुनहरे रंग की गोल्ड कलर की चूड़ी, पैडी ग्रीन, हरे रंग की पैडी कलर की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, जो भी रंग निकलते हैं, सात रंग इंद्रधनुष के रंगों से जो भी रंग आते हैं, सभी रंगों की चूड़ियाँ, लाइज इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, वो माउंट्स, टीले, यानी कि ढेर पड़े हुए हैं, अनकैम्प्ड यार्ड्स, अव्यवस्थित, यानी कि अव्यवस्थित जो यार्ड्स हैं, आंगन हैं, उनमें आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, वो ढेर लगा हुआ है, पाइल मतलब ढेर लगना, फोर व्हील्ड मतलब चार पहियों वाली, हैंड कार्ट का मतलब जो हाथ से दिखाया जाने वाला ठेला,
उसके ऊपर ढेर लगा हुआ है, पुश्ड बाई यंग मैन, जिनको कि धकेला जाता है नौजवान व्यक्तियों के द्वारा अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सैंटी टाउन, इस गंदे भद्दे शहर की तंग गलियों में धकेला जाता है नौजवानों के द्वारा, ऐसे ठेलों पर लदे हुए हैं वो चूड़ियाँ, एंड डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, जहाँ पर लैम्प जले हुए हैं ऑयल लैम्प्स टिमटिमाते हुए, उनकी लपटें जो हैं उन गलियों के अंदर, उनसे आगे की गलियों में सीट्स बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं, बोलते हैं इन तेल से जलने वाले दीपकों की टिमटिमाती जो रोशनी है, उन गलियों के अंदर बैठे हुए हैं लड़के और लड़कियां विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पिताओं और माताओं के साथ में, वेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, वो वेल्ड करते हुए टुकड़े जो रंगीन ग्लास के टुकड़े हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, उनको गोल चूड़ियां बनाने में, वेल्ड करने में जुटे हुए हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें ज़्यादा एडजस्ट हो गई है, यानी कि स्थिर हो गई है, सही हो गई है उस अंधेरे के हिसाब से, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी की अपेक्षा उनकी आंखें अंधेरे के हिसाब से एडजस्ट हो गई हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, और इसीलिए वो उनका अंत होता है कि उनकी आंखों की रोशनियां खो जाती है, इसी के साथ उनका अंत है। बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, इससे पहले कि वो अडल्ट बने यानी कि जवान हो, उससे पहले ही उनकी आँखों की रोशनियाँ खो जाती हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता जो कि पहने हुए है एक पिंक कलर की ड्रेस, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वह बैठी हुई है एक बूढ़ी औरत के बगल में, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वह जोड़ रही है ग्लास के टुकड़ों को, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टॉन्ग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ ऐसे मूव कर रहे हैं यांत्रिक तरीके से जैसे कि मशीन के टॉन्ग्स यानी कि चिमटे की भांति। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बंगाल सी हेल्प मेक, और मुझे तो अचंभा है कि शायद ही वो जानती हो पवित्रता इन चूड़ियों की जो वह मदद कर रही है बनाने में, सैंक्टिटी पवित्रता। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये प्रतीक होती है भारतीय नारी के सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के अंदर, शादियों के अंदर ये एक शुभपन की प्रतीक होती है, एक शुभ संदेश की प्रतीक होती हैं ये, ऑस्पिशियसनेस लाती हैं ये, शुभता लाती हैं घर के अंदर, खुशी लाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, बोलते ये एक दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगा, डॉन मतलब समझ में आना, कि ये एक दिन उसकी समझ में आ जाएगा अचानक। वेन आर हैड इज ड्रेप्ड विद रेड वेल, जब उसका सिर ड्रेप्ड ढक दिया जाएगा, लिपटा दिया जाएगा एक लाल घूंघट में। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ लाल रंग दिए जाएंगे विद हैना मेहंदी के साथ में, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ डाल दी जाएंगी, रोल करेंगी उसकी कलाइयों में। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी औरत की तरह, बिसाइड हर जो कि उसके बगल में बैठी हुई है, हु बिकेम वन, जो कि वो भी बनी थी कभी, मैनी ईयर्स एगो, बहुत वर्षों पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, आज भी उसके हाथों में कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसकी आँखों में कोई चमक नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि इतना पेट भर खाना भी नहीं मिला। शी सेज, वह कहती है इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जिससे कि खुशी ड्रेन कर ली गई हो, निचोड़ ली गई हो। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम,
उसने कभी भी आनंद नहीं लिया एक पेट भर भोजन का अपने पूरे जीवन भर में। दैट इज़ वाट शी हैज़ रीप्ड, यही है जो कुछ उसने काटा है अपने जीवन में, यानी कि जो कमाया है। हर हस्बैंड और उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी के दाढ़ी फ्लोइंग उड़ रही है, सेज कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ मैं कर सका कर पाया वो परिवार के रहने के लिए एक घर बना पाया बस। हियरिंग हिम, और उसे सुनकर के वन वंडर्स, किसी को भी आश्चर्य होता है इफ़ ही हैज अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि यह सुनकर के ऐसे लगता है जैसे कि शायद उसने वो अचीव कर लिया है जो शायद बहुत सारे अपने जीवन भर में फेल रहते हैं अचीव करने में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, के जो कि कम से कम उसके घर उसके सिर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, और जो चिल्लाना है चीख है कि उनके पास पैसे नहीं है कुछ और करने के लिए, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, सिवाय इस बिजनेस के जारी रखने के अलावा, चूड़ी बनाने के बिजनेस के अलावा उनके पास और कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं, नॉट इवन इनफ टू ईट, और यहाँ तक कि खाने के लिए ही काफ़ी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, यही बातें सुनाई देती है प्रत्येक घर में। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नौजवान हैं वो अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनके पश्चाताप को और आवाज़ देते हैं, ईको करते हैं। लिटिल हैज़ मूड विद टाइम, समय के साथ थोड़ा ही कुछ कुछ बदला है। इट सीम्स, ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद में कि समय के हिसाब से बहुत थोड़ा ही बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, वर्षों के दिमाग को नंब कर देना, सुन्न कर देना, बेहोश कर देने वाले वर्षों का जो टॉयल, जो मेहनत रही है, किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उसने मार दिया सब हमारे इनिशिएटिव का मतलब कोई पहल करना किसी काम के लिए, सब खत्म कर दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और नए सपने देखने की जो योग्यता है उस सब को मार दिया। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं एक नौजवान व्यक्तियों के समूह से पूछती हूँ कि आप एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, एक संगठन के रूप में संगठित क्यों नहीं होते। हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, तो ऐसे समूह से पूछती हूँ जो कि पड़ चुका है चक्र में, एक दुष्चक्र में। विशियस सर्कल यानी कि एक दुष्चक्र, विशियस होता है दुष्ट, बुरा, एक बुरे चक्र में पड़ गए हैं ऑफ मिडल मैन, बिचौलियों के। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने जकड़ लिया था उनके पिताओं को, एंड फोर फादर्स, और उनके जो पूर्वज थे उन सबको एक ऐसे में जाल में फंसा लिया था। इवन इफ़ यू गेट ऑर्गेनाइज, बोलते यहाँ तक कि अगर हम कोशिश भी करते हैं ऑर्गेनाइज होने की, संगठित होने की, इकट्ठा होने की, वी आर दी वंस, तो हम ही हैं हु विल बी होल्ड अप, जिनको के पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेलों में बंद कर दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, के कुछ गैर कानूनी करने के लिए। ये उन सबको गैर कानूनी माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, दे से ऐसा वो कहते हैं, यानी कि उनके जो बड़े हैं वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करोगे तो फिर पुलिस ही आएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी और जेलों में बंद कर देगी कि कुछ कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो जैसे तुम। देर इज़ नो लीडर अमंग दैम, उनके अंदर कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली,
उनके अंदर कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने के लिए। दे फादर्स आज एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितना कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वे बातें करते रहते हैं अनंत तरीके से गोल गोल घुमा घुमा करके, जो कि उनकी लगातार जो गरीबी से एक सहानुभूति की ओर ले जाते हैं, कि लालच और अन्याय के का जो सहानुभूति है उसकी ओर। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मुझे दो भिन्न दुनिया दिखती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो वो परिवार जो कि फंसा हुआ है गरीबी के जाल में, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जिस पर एक बोझ ढो रहा है जाति के धब्बे का, इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो जन्मे हैं। बर्डन का मतलब होता बोझ, पॉवर्टी गरीबी, स्टिग्मा एक धब्बा। द अदर एविशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो है वो एक दुष्ट चक्र, दुष्चक्र जो साहूकारों का है। द मिडल मैन बिचौलियों का है, द पुलिसमैन पुलिस वालों का है, द कीपर्स ऑफ लॉ और कानून के रखवालों का है, द ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाह हैं उनका, एंड द पॉलिटिशियन और जो राजनेता हैं उनका, दूसरी तरफ उनका एक दुष्चक्र है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, सारों ने मिलकर के इकट्ठे उन्होंने थोप दिया है, इम्पोज लागू करना, थोप देना एक भार बैगेज बच्चे पर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वह कभी उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उसे ये पता चलता है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज इज फादर, वह स्वीकार कर लेता है उतने ही स्वाभाविक तरीके से जिसके जिस जितना उसके पिता ने तय स्वीकार कर लिया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है कि साहस करना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उसके लालन पालन का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं देखती हूँ एक चमक का भाव मुकेश के अंदर, आई एम चीयर्ड, तो मुझे प्रसन्नता होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोहराता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु जो गैरेज है वो एक बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जोर देता है, मैं वॉक करूँगा, पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप एक हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो जाता है। नो ही सेज, वह कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की ओर घूरते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसकी इस थोड़ी सी जो बुड़बुड़ाहट है उसके अंदर एक शर्मिंदगी है, एम्ब्रेसमेंट है, मर्मर बुड़बुड़ाना, एम्ब्रेसमेंट शर्मिंदगी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो कि अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह केवल संतुष्ट है कारों के सपने देख करके ही। दैट ही सीज हटलिंग डाउन टू द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि वह देखता है हटलिंग डाउन, फर्राटे भरते हुए दौड़ते हुए स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपनी शहर की गलियों में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज उड़ते हैं। सो दिस इज़ द लेसन नंबर टू, पार्ट सेकंड फॉर 12th क्लास फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू मस्ट हैव डन वट एवर वर्क वॉज गिवन टू यू इन द फर्स्ट पार्ट इन माय प्रीवियस क्लास। सो आई होप यू हैव डन इट। नाउ देर आर आल क्वेश्चंस आफ्टर द लेसन, यू कैन चेक इट। थिंक एज यू रीड वाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, कि फिरोजाबाद शहर किसके लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज। मैंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज, ये जो कांच के
चूड़ियाँ बनाने के जो कारखाने हैं इनमें क्या क्या हानियाँ हजार्ड्स का मतलब हानि या नुकसान काम करने के लिए क्या क्या है उनका उल्लेख करना है मेंशन करना है। तो बिकॉज द पीपल गो ब्लाइंड बिफोर दे बिकम एडल्ट, उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है एंड दे आल्सो सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिजीज लाइक अस्थमा एंड टीबी। सो दीज आर दी हार्म्स और हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन दी ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का व्यवहार अलग क्यों है उसका परिवार के व्यवहार से? बिकॉज मुकेश वॉन्ट्स टू चेंज हिज बिजनेस, ही डोंट वॉन्ट टू बी इन दी बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग, ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। सो दैट्स वाई हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। सो दीज आर दी क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, फाइंड आउट एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दीज क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक एंड देन चेक योर सेल्फ वट मिस्टेक यू हैव डन एंड वट स्पेलिंग मिस्टेक यू हैव डन दैट यू फाइंड आउट एंड करेक्ट योर सेल्फ। सो दिस वे यू हैव टू वर्क टू गेट द प्रॉपर वट यू कैन से इट शुड बी वेरी फ्रूटफुल टोटल बेनिफिट हाउ वी कैन गेट फ्रॉम दिस। सो दिस वे यू हैव टू वर्क ऑन इट। थैंक यू।